अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी इमेज के अंदर बहुत ही प्यारे और अट्रैक्टिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि मैंने एक इमेज को ओपन किया हुआ है जो कि मेरी अपनी इमेज है और इस इमेज के अंदर जो है मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट ऐड करके दिखाने वाला हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप भी अपनी इमेज के अंदर इन इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज के अंदर जो है वो एक इफ़ेक्ट आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखें कि किस तरह से मेरी इमेज जो है वो बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही है। अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए एक और स्टाइल आ गया। अगर इस पर क्लिक करता हूं तो एक और स्टाइल आ गया है। तो बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव इफ़ेक्ट हैं इस एप्लीकेशन के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी इमेज के अंदर इस तरह के इफ़ेक्ट लगाना तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आपको बता देता हूं इस एप्लीकेशन के हवाले से कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और इसको कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा VARNIST वर्निस्ट। दोस्तों, जैसे ही आप वर्निस्ट लिख के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपसे कहेगी कि आप अपनी एक इमेज को सेलेक्ट कर लें। तो सिंपल आपने अपने मोबाइल से एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, जब आप इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इफ़ेक्ट मौजूद हैं। आपने इन इफ़ेक्ट को अपने इमेज पर अप्लाई करते जाना है। जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं एक इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि जब आप अपने इफ़ेक्ट को ऐड कर लें तो उसके बाद आपने इस इमेज को सेव कैसे करना है। तो सिंपल ये देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एरो का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है वो आपकी गैलरी के अंदर जो है वो सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ गई है। अगर इस एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूँ वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।